आज के वीडियो में हम कमल को उगाने का पूरा प्रोसेस देखेंगे उसकी जड़ से। तो ये है पिंक मेडोज, एक बोल वेराइटी है, छोटे इसके फ्लावर्स खिलते हैं। पूरा प्रोसेस हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, किन बातों का ध्यान देना है, टिप्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो मैंने लोटस का ट्यूबर यानी इसकी रूट खरीदी एक फेसबुक के ग्रुप से, और इस तरीके से इंडिया पोस्ट के थ्रू बॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से पैक होकर के वो मुझे मिला। तो ये करीब 5-6 दिनों तक ट्रांजिशन में था मेरे पास पहुंचने तक, और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये रूट मुझे मिली, ये ट्यूबर मुझे मिला। उसके बाद मैंने इसको सबसे पहले एक टब में पानी में इसको डाल दिया करीब 4-5 दिनों तक छाए में रख करके, और 5-6 दिनों के बाद जब मैंने इसको देखा तो मुझे इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये मुझे लगा कि बिल्कुल रेडी है प्लांटिंग के लिए। तो सबसे पहला टिप तो मैं ये दूंगी कि ट्यूबर मिलने के बाद आप उसे तुरंत प्लांट ना करें, हफ्ते 10 दिन उसे पानी में शेड में करके रख दें जिससे वो ट्रांजिशन शॉक से बाहर निकल पाए और अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो सके। अब बात करते हैं कि इसे लगाना कैसे है। तो उसके लिए आपको कोई टब चाहिए, टब का साइज़ आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जिस वेराइटी का लोटस आप लगाने जा रहे हैं। चूँकि ये वेराइटी है बोल वेराइटी, जो छोटे ही फूल आते हैं, आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे पॉट इन पॉट मेथड में लगाऊंगी। हालाँकि बोल लोटस वेराइटी या माइक्रो लोटस वेराइटी को आप इससे छोटे पॉट में भी आराम से लगा सकते हैं। ध्यान आपको इस बात का देना है कि प्लांटिंग के बाद भी इतना स्पेस रहे उसमें कि पानी ऊपर तक बिल्कुल भरा रहे इसमें। तो सबसे पहली लेयर जो होगी इसकी वो है कंपोस्ट की। आपको पहले कंपोस्ट डालना है नीचे, काऊ डंग मैन्योर मिल जाए तो बेस्ट है। उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे चिकनी मिट्टी की लेयर। तो अगर आपके पास इस तरीके से सूखी चिकनी मिट्टी है तो उसे आप किसी और टब में पानी डाल करके पहले सॉफ्ट कर लें जिससे उसकी एक लेयर लगाना आसान हो जाए, और उसी में फिर हम प्लांट करेंगे अपना रूट। तो इस तरीके से एक लेयर थोड़ी सी थिक डालेंगे चिकनी मिट्टी की। लेकिन अगर आपके पास चिकनी मिट्टी नहीं है तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने गार्डन की मिट्टी भी लगा सकते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी यूज़ करने के दो फायदे हैं। पहली तो ये कि पानी डालने के बाद ये सेटल होकर नीचे जम जाती है तो आपका पानी मटमैला नहीं होता है। दूसरी बात, ये रूट को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि लोटस के ट्यूबर को लगाना कैसे है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है इसे लगाते हुए, कि इसको पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर नहीं करना है आपको। इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जितनी भी ग्रोथ बड्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हों, वरना अगर आप पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो ये धीरे धीरे सड़ जाएगी। ध्यान रखना है कि आप इसके ग्रोथ बड्स को डैमेज ना करें, हल्के हाथों से संभल करके इसे आपको इस तरीके से प्लांट करना है। अब मैं इस पे थोड़ी सी चिकनी मिट्टी और डाल दूंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चूंकि मेरा पॉट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये टुकड़े पानी में धीरे धीरे पड़े हुए ये गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। अब इस पॉट में हम पानी डाल देंगे, धीरे धीरे डालना है जिससे हमारा जो फ्रेशली प्लांटेड ट्यूबर है वो डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना हो, और जो भी एक्सेस आप देख रहे हैं डर्ट इस तरीके से निकल जाएगी। नेक्स्ट डे देखने पे मुझे इसकी कंडीशन काफ़ी ठीक लग रही थी और इसकी मिट्टी भी सेटल हो चुकी है। मैं इसको पॉट इन पॉट मेथड में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पॉट में ज़्यादा पानी डालने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे उठा करके अब बाहर एक बड़े पॉन्ड में शिफ्ट करूँगी। ये टब मैं उसी में डालूँगी जिससे पानी भरने के बाद इसकी पत्तियाँ और इसकी सॉइल पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबी रहे। अगर आपने इसे लगाने के लिए गहरा पॉट चूज़ किया था तो आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने लोटस के पौधे को फुल सनलाइट में ही रखना है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे इसमें ढेर सारी पत्तियाँ ग्रो होने लगेंगी और इस तरीके से एरियल लीव्स डेवलप हो जाएंगी। एरियल लीव्स मतलब ऐसी लीव्स जिनकी स्टेम लंबी ग्रो हो जाती है और लीव्स पानी पे नहीं तैरती हैं, इस तरीके से ऊपर उठ जाती हैं, और वो एक सिग्नल है कि लोटस में फ्लावरिंग जल्दी होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एनपीके का एक स्पून पेपर में या किसी कॉटन क्लॉथ में रैप करके रूट्स के पास इंसर्ट करना है करीब 1.5-2 इंच गहराई तक। ये प्रोसेस आप 15 से 20 दिनों में एक बार करते जाएं तो 2-3 बार करने के बाद ही आप देखेंगे इसमें आपको ढेर सारे फ्लावर बड्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, पॉन्ड का पानी आप हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करें। चेंज करने का तरीका यही है कि आप उसमें इतना पानी डालते जाएं पाइप से कि पुराना पानी बह के बाहर निकल जाए जिससे डेंगू मलेरिया के मच्छर नहीं होंगे। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स इसमें खिलेंगे। फ्लावर्स का साइज छोटा होगा चूँकि ये बोल वेराइटी है।
फ्लावर का साइज़ उसकी वेराइटी पे डिपेंड करता है, तो अगर आप माइक्रो लोटस लेंगे तो उसका साइज़ और छोटा होगा। खुशबू इसमें बहुत माइल्ड सी होती है और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। फ्लावर खिलने के 2-3 दिन तक बना रहता है, फिर इसके पेटल्स झड़ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपने देखा कितना आसान है इस प्लांट को ग्रो करना। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, कुछ मिसिंग रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।